बैक टू अनदर वीडियो, आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है टेलुगु मूवी का एक सॉन्ग। और मूवी का पहले मैं नाम बता दूं, मूवी का नाम बहुत मुश्किल है, मूवी का नाम है अला वैकुंता पुरामुलु। मौसम बड़ा वैसे, अब ये बाकी सब लोग बताएंगे कि सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं, मेरे लिहाज से तो बाकी मैं सही किया प्रोनाउंस। वेल ये मूवी रिलीज हुई थी 12 जनवरी 2020 को और इस मूवी का सॉन्ग बुटा बुमा, उस पर हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं आज। और इसकी स्टार कास्ट की बात करें, स्टार कास्ट में मेरे फेवरेट हैं अलू अर्जुन, और मेरे भी फेवरेट हैं तब्बू एंड पूजा हेगड़े भी हैं, और जयराम, सुशांत, नवदीप और मुरली शर्मा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था 3 विक्रम श्रीनिवासी ने, और प्रोड्यूस किया गया था अलू अरविंद ने, जो कि अलू अर्जुन के फादर हैं उन्होंने, और एस राधा कृष्णा ने। तो चलिए देख लेते हैं अभी सॉन्ग। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का वर्चुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। लड़कियां भी है ना तो भी देखे। जैसे कि तुम बजे गए यह गाड़ा था ना, చక్రవర్తిని చేసావి చిన్నగా, చినుకు తుంపర అడిగితే కుండ పోతగా, తుఫాను తెస్తేనే మటగా, మల్లె పువ్వు నడిగితే ముదగా, పుల తొటగా పైనొచ్చి పడితేవే బుట్ట బొమ్మ బుట్ట బొమ్మ నన్ను ఎంత కన్ను మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు కానీ అమ్మో, ఇల్లవన్నీది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నాదంటే పోదు నమ్ము, ముందు నుంచి అందరన్న మాటే కానీ మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో, ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా బలి ఉన్నను నమ్ము. अगर मैं बात करूं गाने की, तो गाना जो है बहुत अच्छा था, म्यूजिक उसका बहुत अच्छा था, और खासतौर पर सेट और उसके इर्द गिर्द के बात करें ना लोगों की, तो वो भी बहुत खूबसूरत थे। अच्छा मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि वाकई गाना तो बहुत अच्छा था, बट बोलने में कुछ और वाली थी कि, लेकिन यहाँ पर ये बात मुझे करनी थी कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना जब हम टेलुगु मूवीज देखते हैं ना या हम मलयालम देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पर्सनली कि वहां पर मुझे क्रिएटिविटी ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, ये तो बॉलीवुड अगर मैं देखूं, वहां पर आपको अगर जैसे डांस मूव्स हैं आपको
उसमें भी यू नो थोड़े डिफरेंट स्टाइल नजर आएगा, एक यू नो एक वो बोलते हैं स्वैग नजर आता है उनके डांस मूव्स में भी, और अगर वो फाइट सीन वाला भी हो तो उसमें भी बड़ा मजा आता है देखने का, क्योंकि बॉलीवुड में ग्लैमर बहुत होता है, इसमें भी नो डाउट ग्लैमर थोड़ा बहुत ऐड किया होता है मतलब कुछ मूवीज में और कुछ सॉन्ग्स में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी बिल्कुल टोटली आपको एक डिफरेंट देता है। अगर सेट देख लो बहुत खूबसूरत सेट था, ऐसे लग रहा था वो एक बोलते ना आप ख्याली दुनिया में, आपको इतना ज्यादा फैसिनेट कर रहा है वो, और हाँ जिस तरीके से पूजा हेगड़े ने ड्रेस पहनी हुई है वो भी वाकई में एक डॉल की तरह लग रही है, बार्बी डॉल। हाँ, और अल्लू अर्जुन तो मेरे वाकई में बहुत फेवरेट है, मुझे उनकी मूवीज बहुत अच्छी। बिल्कुल, वैसे अगर अल्लू अर्जुन के डांस की बात करें तो वो शुरू नहीं, अल्लू अर्जुन की अगर डांस की बात करें ना तो शुरू से ही डांस जो है बोल जगत, उनकी पुरानी मूवीज भी हमने देखी है, वो जो हमने लिची पोड़े उनका जो सॉन्ग देखा था वो भी जो है उसमें भी उनका डांस बहुत मजे का था, और उनका डांस ना बहुत एक एनर्जेटिक किस्म का, जैसे शाहिद कपूर डांस करते हैं ना एनर्जेटिक किस्म का, इसी तरह जो है ये करते हैं, वैसे ये जो है ना मेरे साउथ के शाहिद कपूर लगते हैं। वाकई में मौजम की एक चीज से इत्तेफाक करूंगी कि जो इनका डांस है वो इतना एनर्जेटिक होता है कि उसमें डांस मूव्स तो नो डाउट डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा जैसे वो प्रॉप्स यूज करते हैं जैसे अपने कपड़ों के साथ, फिर एक ऐसे वो जो मतलब स्लाइड सी थी उसके साथ, क्योंकि इनकी एक मैंने मूवी देखी थी उसके अंदर इन्होंने कैप के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, तो हाँ फिर डीजे मूवी भी मैंने देखी हुई, डीजे मूवी में काफी स्टाइलिश लगते हैं, तो कुछ ना कुछ इनका स्टाइल ऐसा होता है मूवी में जो इनको डिफरेंट बनाता है। और किसी ने मतलब मुझे बोला था, मुझे याद नहीं है बट के अच्छा डांस करने के लिए आपके पैरों में जान होनी चाहिए और आपके पैर थिरकने चाहिए, डांस अच्छा होगा। तो वाकई में अगर आपके पांव स्ट्रांग है, आपकी टांगे स्ट्रांग है ना, तो आपका डांस बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो है मैं ये बात भी करना चाहूंगा कि जो म्यूजिक होते हैं ना उसका कोई बाउंड्री नहीं होता, समटाइम्स जो है हम इस तरह के गाने भी सुन रहे होते हैं हमें उसकी समझ नहीं लगती क्या आप बोल रहे हैं, वो हमारे लिए एक किस्म की ना वो फारसी होती है जिसकी हमें समझ ना लगे, लेकिन उसका म्यूजिक इतना जो है वो मजे का होता है, इतना कनेक्ट होता है ना हमारे साथ कि हम उसे सुनना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं उससे। इवन के अभी जैसे मेरी सॉन्ग सुन रही थी तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही थी कि लाइक अभी जैसे कोई भी फंक्शन आएगा तो हम लोग ये वाला सॉन्ग भी लगा सकते हैं, वी कैन एंजॉय। क्योंकि अच्छा एक चीज होती है जिस लैंग्वेज को आप नहीं समझते ना और अगर वो आपको अच्छा लगता है सॉन्ग तो मुझे लगता है आप ज्यादा एंजॉय करते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता तो नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे मुझे नहीं पता कि बूढ़ा मम्मा का क्या मतलब है, आप जरूर हमें बताइएगा कि इसका क्या मीनिंग है। और अरमान मलिक ने इसको गाया है, बहुत अच्छे सिंगर है, काफी अच्छे उन्होंने गाने गाए हैं। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि अरमान मलिक को बॉलीवुड के सॉन्ग्स में मैंने सुने हुए हैं लेकिन उनके तेलुगु मूवी में ये भी एक नई। हाँ, यहाँ पे अगर अरमान मलिक की बात करें तो वो जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में गाने गाते हैं। वाओ वाओ, और फाइनलिस्ट रह चुके हैं सारागामापा बिल्कुल लिटिल चैंप 2006 में मौजम, बिल्कुल वाओ, बहुत ज्यादा अचीवमेंट उनकी। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आपके फेवरेट एक्टर कौन है हमें जरूर बताइएगा, साउथ साइड के बताइएगा कि फेवरेट एक्टर कौन है, और ये मूवी किस किसने देखी है, और ये भी बताइएगा कि गाना कैसा लगा और कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है। और मैं मौजूद को बोलूंगी कि मैं ये मूवी देखना चाहती हूँ। हाँ, जरूर देखें, जरूर देखें, बार बार देखें। और अब हम देखा था वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।